Hello everyone, you are watching Apex Tutorials, and today in this video we are going to discuss The Road Not Taken, poem by Robert Frost. This is a very good and interesting poem having deep implications, and this is a poem. Before starting the explanation, I would like to tell you something about the poem. एक्चुअली ये पोएम क्या है, ये पोएम है कि राइट डिसीजन मेकिंग कितना इम्पॉर्टेंट होता है और हम किस तरह से जब डिसीजन मेकिंग की पोजीशन में होते हैं तो हमारे दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है, इसको थोड़ा सा इस तरह से समझते हैं कि व्हेन आफ्टर टेंथ यू विल बी एट द पॉइंट टू चूज अ स्ट्रीम, और तब आप ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स को छोड़ करके साइंस इसलिए ऑप्ट कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि बहुत जो है चैलेंजिंग है और बहुत सारे लोग जो है इसे ऑप्ट करके मेडिकल या इंजीनियरिंग के फील्ड में चले जाते हैं, लेकिन उस पे जाने के बाद फिर आपको ये फील होता है कि यू आर नॉट डूइंग गुड इन दिस स्ट्रीम, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको लगता है कि अगर हम ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स में रहे होते तो हम और बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे होते, लेकिन तब बहुत देर हो जाती है. सो नाउ आई स्टार्ट द पोएम. Two roads diverge in a yellow wood. तो पोएट जो है वो जंगल के अंदर है, वुड जंगल के अंदर है, और वो वहाँ पे जिस रास्ते से चलता चला जा रहा था उस एक रास्ते से जाने के बाद अब वो रास्ता जो है वो दो जगह पे फट गया है. वो रास्ता दो तरफ टू डिफरेंट डायरेक्शंस में एक फॉग की तरह से हो गया है. तो अब यहाँ आके वो खड़ा होने के बाद वो सोच रहा है कि मुझे किस रास्ते की तरफ जाना है, इधर जाना है या इधर जाना है. टू रूट्स डाइवर्ज, डाइवर्ज फॉग फटते थे इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. और येलो वुड जो है यहाँ पे ये जो फ्रेज यूज की गई है येलो वुड, ये किस तरह से यूज की गई है, ये येलो चूंकि ऑटम सीजन जो होता है, ऑटम सीजन के अंदर पत्ते पीले होकर के झड़ रहे होते हैं, तो इसको उसने कहा है कि पतझड़ का मौसम है और पत्ते पीले होकर के झड़ रहे हैं, तो जंगल जो है पीला पीला हो गया है, ऑटम सीजन है. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और वो सॉरी फील करता है, रिग्रेटफुल फील करता है क्योंकि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. वो कहता है कि मैं अकेला हूँ, एक आदमी हूँ, इसलिए मैं उन दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता था. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, बी वन ट्रैवलर, और चूंकि मैं वहां पे उस टाइम उस जगह पे खड़ा हुआ अकेला था, कोई और ट्रैवलर वहां पे नहीं था, इसलिए काफी देर तक मैं वहां पर खड़ा रहा. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इसको वन और इसको टू कह सकते हैं. तो पहला रास्ता वन एज फार एज आई कुड, यानी मैंने दूर तक उस रास्ते को देखा और ऑब्जर्व किया कि इस रास्ते को जाना चाहिए. जब हमें कोई चीज़ लेनी होती है तो हम ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ा थिंक ओवर करते हैं, तो वही चीज़ वो कर रहा है वहाँ पे. कह रहा है कि जब पहले रास्ते को मैंने काफ़ी देर तक ऑब्जर्व किया, देखा, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, तो मेरा ऑब्जर्वेशन में ये आया कि ये रास्ता जो है अंडरग्रोथ यानी है डेंस फॉरेस्ट विद प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी वो जो एक रास्ता है उसे ऑब्जर्व उसने किया, तो वो रास्ता जो है उसे ये लगा कि इस रास्ते में बहुत घना जंगल है और जिसमें बहुत सारे जंगली जानवर भी हैं. अब सेकंड स्टैंजा देख लेते हैं. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, और दूसरा रास्ता अदर मैंने देखा जस्ट एज फेयर, वो भी पहले की तरह से ही सुंदर और अट्रैक्टिव था. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, लेकिन फर्क क्या था कि बेटर क्लेम यानी बेहतर दावा प्रस्तुत कर रहा था, अपील कर रहा था, मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग था. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, सेकंड रास्ता जो है, जो सेकंड रास्ता है वो ज्यादा बेटर उसे महसूस हो रहा था. बिकॉज क्यों हो रहा था, इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर. ग्रासी का मतलब यहाँ पे ये है कि उस पे ग्रास थी, बहुत ज़्यादा घास थी. अब हम जब जनरली देखिए कि जिस रास्ते पे बहुत सारे लोग चलते हैं तो वहाँ उनके पैरों से क्रश होने की वजह से वो घास जो है वो मर जाती है और उस रास्ते का अलग ही एक लुक आता है, लेकिन जिस रास्ते पे लोग नहीं चलते वहाँ घास उगी हुई होती है, तो
तो वही है ग्रासी का मतलब, बहुत कम लोग उस रास्ते को चले हुए हैं। एंड वांटेड वियर, वांटेड वियर का मतलब यह है कि लेस ट्रेवल्ड बाय है या फिर अनयूज्ड है, जो चीज जो कम यूज की गई हो या फिर यूज ना की गई हो वो अपील करती है उसे ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए। तो वांटेड वियर उसने इसीलिए कहा है कि उस पे बहुत कम लोग चले हुए हैं, तो वो अपील कर रहा था उसे कि मेरे ऊपर चलो। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि पोएट जो है वो ही इज अ काइंड ऑफ नेचर ऑफ एक्सेप्टिंग चैलेंजेस, यानी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाला नेचर उसका है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। अब क्या कह रहा है, दो एज फोर दैट द पासिंग देयर, हालांकि उस दूसरे रास्ते पे सेकंड पाथ पे चलने के बाद मुझे ये महसूस हुआ, मुझे ये लगा कि वो जो पहला रास्ता और दूसरा रास्ता है वो दोनों रियली अबाउट द सेम, वास्तव में दोनों सेम हैं, दोनों ऐसे ही हैं, ऐसा दूसरे रास्ते पे चलने के बाद लगा। तो अभी पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइम स्कीम डिस्कस करते हैं। राइम स्कीम हम चेक करते हैं पहले स्टैंजा के अंदर, पहले स्टैंजा। राइम स्कीम कैसे चेक की जाती है डियर व्यूवर्स, राइम स्कीम चेक करने के लिए हम जो वर्ड्स जो लाइन है उसके लास्ट वर्ड की जो लास्ट साउंड है उस पे डिपेंड करती है राइम स्कीम। तो फर्स्ट लाइन है हमारी, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, तो वर्ड इज द लास्ट साउंड उड, लास्ट साउंड इज उड, है ना। तो उड को अगर हम ए कंसीडर कर लें, ए। अगली लाइन है एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, तो लास्ट साउंड क्या है बोथ, थ साउंड है, इसको हम बी कंसीडर कर लेते हैं। थर्ड लाइन एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, स्टूड लास्ट साउंड उड, अगेन फिर वो ए रिपीट हुआ है। फिर हम देखते हैं एंड लुक डाउन वन एज फोर एज आई Good. तो वही लास्ट साउंड जो है यहाँ पे उड आई है और फिर वही ए रिपीट हुआ है। टू वेयर इट बैंड इन द अंडर ग्रोथ, तो लास्ट साउंड जो है वो थ आई है जिसको हमने बी लेट किया है। तो हमारी राइम स्कीम हो गई ए बी ए ए बी, स्टैंजा वन की ए बी ए ए बी, स्टैंजा टू की भी यही राइम स्कीम बैठेगी। चेक कर लेते हैं, फेयर अर ए, क्लेम एम बी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम थर्ड लाइन, वियर अर, फिर वही ए आ गया, देयर अर, फिर ए आ गया, सेम एम की साउंड है, बी आ गया। तो ए बी ए ए बी राइम स्कीम हमारी हो गई, चारों के चारों स्टैंजास की राइम स्कीम यही चलेगी, ए बी ए ए बी। और पोएटिक डिवाइसेस हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको जो है अंडरलाइन किया है, वांटेड वियर, व साउंड जो होती है वो कॉन्सोनेंट साउंड होती है, और जब किसी वर्स किसी लाइन के अंदर दो या दो से ज्यादा वर्ड्स जो हैं सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं तो वहां पे अलिट्रेशन होता है। वांटेड वियर के अंदर अलिट्रेशन हो गया है। इसी तरह से यहाँ देखें दैट द देयर, द द द साउंड जो है रिपीट हुई है, द साउंड कॉन्सोनेंट होती है इसीलिए यहाँ पे अलिट्रेशन हो गया है। सो नाउ वी मूव टू थर्ड स्टैंजा, एंड हियर इज थर्ड स्टैंजा, एंड व्हाट इज थर्ड स्टैंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, बोथ किसके लिए आया है, दोनों रास्तों के लिए आया है, और ये दोनों रास्ते जो है उस सुबह जो है इक्वली ले यानी एक जैसे दिखाई देते थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, एज अर्लियर आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट स्टैंजा फर्स्ट लाइन वी कम टू नो दैट येलो वुड, यानी पतझड़ का मौसम है और पीले पीले पत्ते पेड़ों से झड़ रहे हैं। तो इन लीव्स पत्ते झड़े हुए हैं, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, यानी कि उस टाइम तक किसी ने भी उस रास्ते पे कोई भी चला नहीं था। ट्रोडन क्रश्ड ब्लैक, कोई भी पीला पत्ता पैर के चलने की वजह से काला नहीं पड़ा था। ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और हाँ मैंने फर्स्ट जो पहले वाला रास्ता था उसको किसी और दिन के लिए छोड़ दिया कि मैं फिर कभी आऊंगा और इस रास्ते पर
चलूंगा, yet knowing how way leads on to way, हालांकि मैं जानता था कि मैं doubtful था, वो he is doubtful, किस लिए डाउटफुल था, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, यानी कि मुझे पता था कि ये सब क्या है, कि डाउट में है, आई शुड एवर कम बैक, कि मैं कभी वापस भी आ पाऊंगा या नहीं, ही इज डाउटफुल, दोबारा आने के बारे में उसे शक है कि वो आ पाएगा या उसे थोड़ा सा यकीन है कि नहीं आ पाएगा, फिर भी वो अपने आप को समझा रहा है कि ये पहला रास्ता मैं फिर किसी दिन के लिए छोड़ देता हूं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, अब फ्यूचर प्रोजेक्शन को यहाँ पे वो प्रेजेंट करता है, कहता है कि भविष्य में आने वाले टाइम में समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, आज से सालों 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 बाद, बहुत टाइम के बाद, विद अ साई, एक ठंडी आह भर के, साई ऑफ रिलीफ का यहाँ पे साई यूज हुआ, एक ठंडी आह भर के मैं कह रहा हूँ, आई शैल बी टेलिंग, मैं कह रहा हूँ क्या, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, के कभी किसी टाइम में एक जंगल में मैं था और वहाँ पे दो रोड फटते थे, दो रास्ते एक दूसरे से अलग होते थे डिफरेंट डायरेक्शंस में, यहाँ पे वही कह सकते हैं कि एक टाइम था मेरे पास कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं एक राइट चॉइस बना सकता था, लेकिन उस टाइम पे मैंने ये वाली चॉइस को ऑप्ट किया, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, एक जंगल में दो रास्ते पड़ते थे, एंड आई, और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता चुना लेस ट्रेवल्ड बाय, जिसपे कम लोग चले थे, जो चैलेंजिंग था, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और चूंकि साई यहाँ पे आया है तो हम ये समझ सकते हैं कि इस रास्ते पे चल के वो अनसक्सेसफुल हुआ है, दैट्स वाई ही इज स्पीकिंग विद अ साई, है ना, एक आह भर के कहता है क्या, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, के वो जो मैंने रास्ता छोड़ा था और दूसरा चुना था चैलेंजिंग रास्ता समझते हुए, उसी की वजह से ये सारा अंतर बना है। पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं, फर्स्ट फोर F रिपीट हुआ है, F जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है तो एलिट्रेशन हो जाता है, वे पूरी की पूरी साउंड रिपीट हुई है तो यहाँ पे रिपीटेशन हो जाएगा, जब पूरी की पूरी साउंड रिपीट होती है तो रिपीटेशन हो जाता है, और इसके बाद एजिस एजिस तो वही रिपीटेशन हो गया यहाँ पे, और ये पोएटिक डिवाइसेस थी, और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं राइम स्कीम, इसकी क्या चलती है, राइम स्कीम इसकी चलती है ए बी ए ए बी, तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस पोएम, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। Till then, bye-bye. Keep watching Apex Tutorial. If you like the video, subscribe our channel and press bell icon to get the notification of new videos. Thank you.